ढाका में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बर्गर। यस, आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और टिक्की घर पे बना जाए घर पे बना लो, वरना मैकेन की टिक्की आती है वो तल के जो है अब बर्गर बना सकते हैं। हाँ जी, तो ये इन्होंने लगा दिया देसी घी। अगर डाइटिंग कर रहे तो और कम यूज करिए। और ये रख दी इन्होंने टिक्की, मकेन वाली टिक्की, जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ। अच्छे से तल लीजिए। हम इसको डीप फ्राई नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमने नॉन स्टिक के तवे पे इसको लिया। बाकी अपने पास एयर फ्रायर भी, आप वो भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। और जो बच्चे हैं बाहर का बहुत पसंद करते हैं खाना, हमने घर पे बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और बढ़िया बनने वाला है ये बर्गर आज। ठीक है, लोग में देख रहा हूँ डोमिनोज से पिज्ज़ा मंगवा रहे हैं, पिज्ज़ा की वीडियो डाली थी मैंने, वो बनाओ और वो ही खाओ। मैं तो कह रहा हूँ जी, तो बर्गर पे डाल दो मेयोनीज। लोगों को बहुत पसंद आती है मेयोनीज, मोमोज के साथ लगा लगा के खाते हैं। क्या तकलीफ है इनको, तुमने कहा बर्गर पे लगा लेते हैं। ठीक है, बर्गर बनेगा मैगडी से भी बढ़िया। मैगडी वाला भी अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो देख ले, वो भी घर पे बनाए या फिर मैगडी में बनाए तो उनका बहुत बिक्री बढ़ जाएगी। ओके, जो टिक्की हमारी तल गई है बढ़िया, भाई साहब बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया। हमने ऊपर से कर दिया टमाटर और ऑनियंस की अच्छी खासी ड्रेसिंग। ये हमने छोटे छोटे स्लेट काटे हैं, बोलोगे भाई गोल गोल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, भाई इसलिए काटे ये, क्योंकि जो बड़े लोग खाते हैं ना, समझ रहे हो, बड़े लोग जो खाते हैं उनके ना मुंह पे आता नहीं, फिर वो कटता नहीं, फिर वो बोलते हैं कि भाई गिर रहा है बर्गर की टिक्की नहीं कर रहे, तो इसलिए ये उनके लिए भी थोड़ा ध्यान में रख के बनाया गया है बर्गर। ठीक है, ओके। ये ऊपर से आप डाल सकते हो ओरिगैनो, ये डालो थाइम। हाँ, और बीच में छोड़ के जाते हैं वीडियो उनके लिए है कि हम आखिरी में एक स्पेशल बर्गर के साथ एक और रेसिपी है जो इंस्टेंट बनती है एक मिनट में। ठीक है, तो वो भी दिखाएंगे, वो आखिरी तक जो रुकेगा उसके लिए। जिसने हमारी उत्तराखंड सीरीज वाली वीडियोस नहीं देखी, वो मैं दूसरे चैनल पे BSF व्लॉग्स पे जाके देख लो, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आगे वीडियोस आती रहेगी बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, यो बंद करके ऊपर से थोड़ा प्रेस कर दो, ताकि जो अंदर सामान माल पानी डाला ना बढ़िया, वो अंदर जो है निकले ना, फिर बंदा बोलेगा कि पहले ही निकलेगा भाई क्या डाला तुमने। ठीक है, और बर्गर हमारा तैयार है। पहुंच कर दी, वाह बेटे वाह। आप मक्खन में बना सकते हो, क्योंकि बर्गर मेरे हिसाब से मक्खन में अच्छा लगता है, तो ये मक्खन लगा रहे हैं। ये बर्गर हमारा उल्टा हो गया जी, आजकल बोल रहे हैं ना कोविड के पेशेंट जो भी है, फिर कोविड के जिसको भी है, तो उल्टा लेटो, तो इस बर्गर को भी हमने पहले उल्टा लेटा दिया। सही है, ऑक्सीजन पूरी बनी रहनी चाहिए बॉडी में, ये मजाक से हटके बाहर मत जाना। आप लोग अगर चाहो तो इसमें चीज भी डाल सकते हो, हमने डाली नहीं, पर हमारे पास पड़ी बहुत सारी, पर डालेगी हमने। ठीक है, बर्गर देखो क्या मस्त लग रहा, हाँ जी। तो देखो जी हमारा बर्गर तैयार है। ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, तो मैगडी और इन सब बर्गर से, बर्गर किंग सब बर्गर से तो बहुत बढ़िया लग रहा है। वो घर का बर्गर है, फ्रेश बर्गर है, और अपने हाथ से बनाया हुआ है, तो समझ लो हाइजीनिक है पूरा। समझ रहे हो ना। ठीक है, बाहर का पता नहीं क्या हिसाब किताब है इस वक्त, पर तब भी लोग बाहर से खा रहे हैं, पर मैंने वीडियो ला रखे पिज्ज़ा की भी और बर्गर की भी डाल दी है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे देखो बनाओ खाओ और कमेंट बताओ कि कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग किचन द तड़का, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाइयों।